तो यहाँ तो ये तो कांग्रेस की जमीन है। हाँ कांग्रेस की है, लेकिन मैं मोदी हूँ, योगी मोदी। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जी। क्यों? राहुल गांधी ने बहुत समस्या किया है। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। कांग्रेस आएगी भाई साहब? कांग्रेस आएगी। पक्का? क्यों? यहाँ पे कांग्रेस ने काम किया है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने काम किया है। नहीं नहीं, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। बीजेपी। बीजेपी या कांग्रेस? इस बार प्रधानमंत्री कौन? बीजेपी। लेकिन समय बदलेगा। मैं कौन नहीं बना, 16 पार्टी मिला ले, चाहे जितनी पार्टी मिला ले, कोई पार्टी नहीं बनने वाली है, सब हुआ ही यार। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से किया में, और आज हम रायबरेली में हैं। इस समय आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये रायबरेली का घंटाघर है, बहुत पुराना घंटाघर है। और इस आज हम आज के इस एपिसोड में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मिशन नेक्स्ट पीएम आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रायबरेली में। तो रायबरेली की जनता से आज हम पूछेंगे कि इस बार वो प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, बीजेपी या कांग्रेस, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। सर, इस बार नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी किसको बनाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को सर। नरेंद्र मोदी? यस सर। कांग्रेस को नहीं? नहीं सर। क्यों? कांग्रेस चोर पार्टी है। चोर पार्टी है? मैं नहीं बनाना चाहता। अच्छा, अरे आप खुद देख लीजिए यहाँ के रोडों को, सड़कों को, गंदगियाँ कितनी है, रोड कैसे है, कोई बोलने वाली बात नहीं पीठ पीछे, सही बात है, रोड देख लो कितने गड्ढे हैं, हर चीज है। तो यहाँ तो ये तो कांग्रेस की जमीन है। हाँ कांग्रेस की है, लेकिन मैं मोदी हूँ, योगी मोदी। योगी मोदी? यस सर। अच्छा, चलिए आइए और लोगों से जानने की कोशिश करें। सर एक मिनट, आपकी बार प्रधानमंत्री किसको, बीजेपी या कांग्रेस? बताएं, कुछ समझ में भी आ नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी या कांग्रेस? इस बार प्रधानमंत्री कौन? बीजेपी। बीजेपी? कांग्रेस नहीं ना, बीजेपी। रायबरेली तो कांग्रेस की जगह है, मगर फिर भी लोग अभी तक बीजेपी का। कांग्रेस 70 सालों में रोड देख रहे हो, कांग्रेस के दिन है, बीजेपी से बहुत लाभ है। इस बार कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, पीएम कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। आपको क्या लगता है? दादी फिर आप क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी क्या आएगा? कौन? नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की गढ़ माना जाता है रायबरेली। तो फिर भी गढ़ है, फिर भी तो रास्ता देख रहे हैं आप, आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं। चलिए धन्यवाद। इंदिरा नगर। सर इस बार पीएम कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? यार नरेंद्र मोदी और कौन? नरेंद्र मोदी। इस बार सर इस बार पीएम कौन, कांग्रेस या बीजेपी? पीएम किसको बनना चाहिए, कांग्रेस का या बीजेपी का? पीएम बनना चाहिए बीजेपी का। बीजेपी का? क्या सोचते हैं रायबरेली के लोग, पीएम किसको बनना चाहिए? ऑप्शन दो। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? और ऑप्शन दो। और ऑप्शन दो। ममता गांधी। ममता नहीं, बाकी दोनों चाहिए का बना। चलिए बीजेपी या कांग्रेस, दो में कोई बना दो। कोई बना दे, आप बताइए सर, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी मैडम। बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। सर बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी या कांग्रेस। इस बार पीएम किसको बनना चाहिए? बीजेपी। हाँ भैया, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? हाँ। कौन बनेगा पीएम? अब क्या बताएं, किसको पीएम बनाया जाए, फिर भी नरेंद्र मोदी। ये सब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी, पीएम किसको बनाना चाहते हैं आपकी बार? हाँ, प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? राहुल गांधी को। जी। क्यों? राहुल गांधी ने बहुत समस्या किया है। अच्छा। हाँ, बढ़िया नेता राहुल गांधी है। अच्छा, हमारे क्षेत्र का नेता राहुल गांधी। हाँ। भाई आई है, वही वही वही। इस बार पीएम कौन, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। थैंक यू मैडम। इस बार पीएम कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। सर क्या सोचते हैं पीएम कौन इस बार? पीएम सर, हम तो देश के लिए राहुल गांधी को चाहते हैं। राहुल गांधी को चाहते हैं। ओके, किसको चाहते हैं पीएम, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी।
सीएम कौन है आपके पास, बीजेपी या कांग्रेस? नहीं मालूम। इस बार पीएम किसका बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मैडम, पीएम किसको चाहती हैं इस बार, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी सर, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी चलिए आपकी। राहुल गांधी चलेंगे। इस बार पीएम किसको चाहते हैं, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आपकी बार, आपकी बार पीएम कौन, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस या बीजेपी? अरे हम कौन होना, ना कांग्रेस ना बीजेपी। फिर कौन? बहुत दूर है नेता, नहीं बहुत दूर है भैया। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी भाई साहब। कांग्रेस आएगी। पक्का? पक्का। क्यों? यहाँ पे कांग्रेस ने काम किया है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने काम किया है। नहीं नहीं, बीजेपी कुछ काम नहीं किया है। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। 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 कांग्रेस है। क्यों? अरे देख नहीं रहे हैं आप क्या दशा है देश की, देश की स्थिति क्या है, आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे ये खुल के चल रही है एकदम कांग्रेस। कांग्रेस। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस भैया। कांग्रेस। कांग्रेस बीजेपी ने बहुत परेशान कर रखा है। अच्छा तो कांग्रेस ही आएगी? कांग्रेस ही आएगी। भैया आपकी बीजेपी या कांग्रेस कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के लिए कौन, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी आपको क्या लगता है? क्या बता दें हम लोग, कांग्रेस ही बननी चाहिए। आप कह रहे हैं बीजेपी? क्योंकि आपकी कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कांग्रेस ही है। कांग्रेस। 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 आपकी बार प्रधानमंत्री कौन, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी या कांग्रेस? चाहे जो हो। चाहे जो हो। बीजेपी या कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन आपकी? अरे भैया ठीक है भैया, बीजेपी या कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन? बीजेपी। बीजेपी। हाँ भैया, बीजेपी या कांग्रेस? अरे बीजेपी। बीजेपी। भैया आपकी प्रधानमंत्री कौन, बीजेपी या कांग्रेस? प्रधानमंत्री बीजेपी। बीजेपी दोबारा? हाँ दोबारा। बीजेपी या कांग्रेस भैया इस बार प्रधानमंत्री, बीजेपी बनेगी कांग्रेस? बाबू तुम कहा बताइए, प्रधानमंत्री कौन, बीजेपी या कांग्रेस कौन बनेगा इस बार? ये कोई बता नहीं सकता भैया। अंदाजा क्या कहता है? अब अंदाजा तो है, फिर बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी, अंदाजा तो। धन्यवाद। बीजेपी या कांग्रेस सबके बार प्रधानमंत्री किसका बनेगा भैया? कोई बन जाए, बढ़िया से बन जाए। विकास होना चाहिए। अभी लग रहा है 10 साल में विकास हुआ है? हाँ लग तो रहा है विकास हुआ ही है, और अभी जो 5 साल बाद दिखाई पड़ेगा। फिलहाल रायबरेली की क्या स्थिति है? ठीक ही है। रायबरेली तो कांग्रेस का गढ़ है ना? बिल्कुल है। फिर बीजेपी क्यों? हमने बीजेपी का नाम थोड़ी ना लिया, हमने कहा जो काम अच्छा करेगा वो जीतेगा। बिल्कुल सही है, जो भी आए ईमानदारी से अच्छा काम करे। जी धन्यवाद। अब एक चीज़ बताइए, रायबरेली में जो सरकार मौजूदा क्या करवाया है, जो कुछ किया है सब कांग्रेस ने तो किया, जो भी किया। अच्छा 10 साल में कुछ नहीं हुआ रायबरेली में? हमें तो नहीं लगता। आप देखिए, आप लोग भी तो मीडिया वाले हैं, आप लोग भी देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या लगता है आपको? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। रायबरेली में 10 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। सर क्या लगता है आपको? चल रहा है विकास थोड़ा बहुत, जैसे चलता है नॉर्मल। 10 साल में कुछ हुआ? 10 साल में तो यही है कि जो कांग्रेस लगा के गई थी उस पर ही चल रहा है काम, वो हर गवर्नमेंट करती, कोई नहीं बात। आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस ही घूमेंगे भैया, कांग्रेस ही आनी चाहिए अपनी। कांग्रेस परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। चलिए इस बार परिवर्तन करेंगे। हम पूछ रहे हैं इस बार बीजेपी या कांग्रेस परिवर्तन कौन? परिवर्तन के लिए। हाँ करेंगे कि नहीं? वीडियो तो हमारी बनाओ। हाँ अब बनाओ हमारे लिए। कांग्रेस सही है। सही कांग्रेस सही है। हाँ तो बीजेपी नहीं? 10 साल में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, बाकी सब परेशान है और
आधे से ज्यादा गरीब पब्लिक परेशान है, अमीर पब्लिक के लिए क्या है, वो सही है वो, लेकिन जो रोज कुआं खोदता है रोज पानी पीता है उसके लिए तो बेचारे के लिए नॉर्मल है ना, तो इसलिए कांग्रेस आने चाहिए। चलिए थैंक यू। इस बार बीजेपी या कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन? भाई हमको लगता है बीजेपी बीजेपी आएगी। 10 साल हो गए बीजेपी को। हाँ लेकिन ठीक है सर, क्या कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आपके बाद प्रधानमंत्री कौन, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी यार, बीजेपी ही रहेगी। रायबरेली तो कांग्रेस का गढ़ है। अरे तो साला करता क्या है कांग्रेस करते कहाँ कुछ है। 10 साल में कुछ हुआ? अरे कुछ नहीं, 10 साल में मैडम सिर्फ नॉमिनेशन करा के गई, वो लेने भी नहीं आई प्रशस्ति पत्र कि हमें जीता है तो हमें प्रशस्ति पत्र भी चाहिए। अच्छा तो आप बताओ रैली का कहाँ कुछ होने वाला है? भाजपा ही कुछ कराएगी। भाजपा। चलिए थैंक यू। इस बार बीजेपी या कांग्रेस रायबरेली में? रायबरेली की जनता क्या चाहती है, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए बता। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अच्छा इतना बताइए, इतना बताइए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कहाँ से हैं आप? रायबरेली से। रायबरेली से। यहीं के हैं? बाहर के हैं? यहीं के हैं। तो रायबरेली में क्या देखते हैं, कुछ बदलाव हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से? बदलाव तो हुआ, गरीबन के तो भाई बहुत साथ है, आज भी ये राशन पानी मिल रहा, बहुत बदलाव हुआ। तो मोदी ही दोबारा बनना चाहिए? बनबे करे। अच्छा हाँ भैया, क्या क्या देखते हैं, क्या अंतर है मोदी के, ऐसा क्या कर रहे हैं जो अच्छा है? अब हम कहा जा रहे हैं, हम तो भैया रोड में पौड़े रहे रात में। रोड पर ही रहती हैं आप? घर नहीं है आपका? घर द्वार कुछ नहीं। मोदी जी दे रहे हैं ना आवास? तो हमका कहाँ दे रहे हैं? आपने मांगा नहीं? कॉलोनी नहीं मिली? अप्लाई किया था? अप्लाई नहीं ना कुछ भैया कहा मांगे। आपको क्या लगता है इस बार पीएम कौन, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? पीएम तो कुल मिला के हमारे हिसाब से बनेगा मोदी जी। कुल मिला के सब कुछ किया लेकिन यह कि कुछ गरीब लोग जो है कुछ पा नहीं रहे। अब जैसे हमने अप्लाई किया था कॉलोनी के लिए, हमको नहीं पास हुई। मेरे पास एक कमरा बना हुआ है 3 सेट, लेकिन हम जो है दिक्कत में जहाँ जाते हैं कोई 10,000-5,000 मांगता है, तो हम गरीब आदमी कहाँ पहले दे सकते हैं। ये सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार को मिला के अगर जो भी करेगा बढ़िया काम उसी की सरकार बनेगी। अरे नरेंद्र मोदी के आगे तो कोई है ही नहीं। अच्छा दूसरा चेहरा नहीं है बस, और कोई बात नहीं है। अगर फर्ज कीजिए अगर नरेंद्र मोदी जी राजनीति से इस्तीफा दे दे तो कौन? इस्तीफा तो बहन भूल के न दे, इसलिए कि बहन उनका बहुत कुछ काम करना है। हाँ इस्तीफा तो इसलिए नहीं देंगे, चाहे उनका बाल नोच नोच के गिरावा जाए तब वो इस्तीफा न दे। अच्छा ना तो नरेंद्र मोदी ही बिल्कुल 101%। आप क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, अब की बार भाजपा या कांग्रेस किसकी सरकार बनेगी? भाजपा ही बनेगी भैया, भाजपा ही बनेगी पक्का। प्रधानमंत्री वही होंगे? वही होंगे, चाहे जितने शोर लगा ले, चाहे जितना पार्टी लोग लगा ले, उनके अलावा हम भी चाय बेचते हैं, हमारा भी काम चाय ही का है। क्या बात है प्रधानमंत्री, वही बनेंगे चाय। अच्छा चाय बेचने वाले? चाय वाले हम भी, कोई बने क्या बनेंगे वही प्रधानमंत्री। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। क्या सोचते हैं इस बार पीएम कौन बनेगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। अच्छा पीएम कौन बनना चाहिए इस बार, पीएम कौन बनना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी। मैडम इस बार पीएम कौन बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। मैडम एक्सक्यूज मी, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, हु विल बी द नेक्स्ट पीएम? नो। अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? जो है वही रहेगा। वही रहेगा जो है। सर नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम कौन बनना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी। चेंज होना चाहिए? बिल्कुल। क्यों? युवाओं के लिए। युवाओं के लिए। युवाओं के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए, बेरोजगारी युवाओं का दर्द समझने के लिए राहुल गांधी। राहुल गांधी। भैया इस बार बीजेपी या कांग्रेस?
प्रधानमंत्री? बीजेपी। बीजेपी मैडम, इस बार बीजेपी या कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन? अभी हमने बताया। ओहो, चाय की दुकान। चाय की दुकान बड़ी मुश्किल से मिलती है आजकल। जी, चाय वाला। चाय, चाय वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। जी जी, क्योंकि चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। चलिए, तो अब की बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यही पूछना चाहते हैं। योगी बनेगा। योगी? हाँ, योगी जी लूट लो अपनी योगी कपीर। योगी जी आओ क्या पक्का? हाँ, आप क्या सोचते हैं इस बार प्रधानमंत्री कौन अब की बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी, और कोई ऑप्शन नहीं? बदलाव होगा? होगा बदलाव। अच्छा, आपकी बदलाव होगा? हाँ, हाँ, इसलिए जनता पीड़ित हो चुकी है। योगी से अच्छा कौन है? हाँ, कांग्रेस अब की आएगी। ये कह रहे हैं कि योगी से अच्छा कोई नहीं है, योगी जी आएंगे। योगी से अच्छा था, मगर इसलिए महंगाई से जनता परेशान है। बांध के मारा जाए। ये समझ इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ये कह रहे हैं योगी जी से वो बदलाव होगा। कहाँ बदलाव होगी? इतना अच्छा काम कर रहा बाबा, आपको बताओ पूरे देश में नाम है उसका, बिलडोजर वाला बाबा। महंगाई बता रहे हैं? महंगाई नहीं, गरीबों को हटा रहा भाई। हाँ, तो महंगाई तो होगी थोड़ी बहुत। गरीबों को हटा रहे हैं कैसे? कैसे? अरे मारे डाल रहा, भूखा प्यासा सब, अब इससे ज्यादा क्या होगा? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। आप भी तो जान रहे हो, ये बताने की जरूरत हो रही है क्या? सब्जी ले जाओ, 100 रुपए में सब्जी नहीं आ रही है गरीब आदमी के। 160 रुपए में टमाटर है, 250 में अदरक है। कहाँ बताइए आपसे, आप खुद जानते हैं। तो कौन बनेगा? कांग्रेस। यहाँ क्या बोला तूने? अब की बार कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यही पूछना चाहते हैं। योगी बनेगा? योगी? हाँ, योगी जी हाँ, यहाँ कांग्रेस है, ये कांग्रेस का गला है। कांग्रेस का गढ़ है तो कांग्रेस ही आएगी। हाँ हाँ, देखिए अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ, एक तरफा वोट पड़ी है, यहाँ की पब्लिक ने दिया, बम्फर वोटों से जिताया कांग्रेस। नरेंद्र मोदी जी को 10 साल हुए प्रधानमंत्री बने, रायबरेली में क्या बेईमान? रायबरेली में दूसरे को कहता है बेईमान, खुद बड़ा बहुत बड़ा बेईमान है, तो खुद ही जानता है क्या है देश में क्या कर रहा हालत। 10 साल के अंदर रायबरेली में कोई परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ एक रुपए काम नहीं हुआ, क्योंकि ये सोनिया गांधी का गला है। हम लोग कांग्रेसी के पक्ष में, जितने सड़क पे गड्ढे हैं, आप कहीं पर चले जाए कोई गड्ढा मुक्त नहीं है। गल्ला मंडी मानी हुई है यहाँ पे, समझ गए? तुम गल्ला मंडी का पुल पे चल जाओ, बस तुम देख लो वहाँ का नक्शा हो रहा, मालूम चल जाएगा। इतना इतना पानी भरा गल्ला मंडी के, काली रेलवे के आगे क्रॉसिंग के पास पड़ी है, इतना इतना पानी भरा रोड है वो रायबरेली की। आप नक्शा देख लो जाके, मालूम चल जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। यहाँ पब्लिक को बताने की कोई जरूरत नहीं, आप खाली रायबरेली घूम के आप देखो, सब चीज आपको टोटल मालूम चल जाएगा। राणा प्रभा संजय प्रभा हो जाएगा सब भी योजना से पानी भरा है। अच्छा, रोड नहीं ना गांव निकास, रोड नहीं है अभी, पानी अभी भरा है, हुआ। बारिश कब हुआ था? अरे भाई साहब कलो भवा रोड तो रही है, पानी निकासी नहीं है, पानी निकासी नहीं तो होगा। रायबरेली में, रायबरेली क्षेत्र में आकर प्रशांतिपुर में हो जाए। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी अब की बार कौन बनना चाहिए? अरे जो बने रोड तो बनवा दिए, रोड बनना चाहिए, निकास बनेगा, रोड बनना चाहिए। मोदी 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 बीजेपी बीजेपी बीजेपी, इसके अलावा कोई दुनिया जीत ही नहीं सकता। अच्छा, कब भी? हाँ, अब एक बार आ गए तो क्यों नहीं आ सकता, ये चैलेंज है। राष्ट्रीय कहीं नहीं, ये पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी कौन बनेगा पीएम? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, अरे बदलेगा सरकार, बदलेगा समय, बदलेगा समय, एक जैसा नहीं रहता है। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है ही, और ये है, लेकिन समय बदलेगा। समय कौन नहीं बना, 16 पार्टी मिला ले, चाहे जितनी पार्टी मिला ले, कोई पार्टी नहीं बनने वाली है, सब हुआ ही यार। आओ कुछ मिल जाओ, आओ थोड़ा बनाओ, ये सब पार्टी खत्म हो चुकी है। अच्छा, साल में 12 महीना होते हैं, हर साल में अलग अलग लड़कियों जमाना आ गया है। सब मोदी, जब हमारे देश पचो नंबर पर आ गया, हम क्यों चुटियाँ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सही वाला कौन होता है? मोदी। हाँ मोदी,
हम दुनिया से हम इंडियन हैं, इंडिया के लिए लड़ते हैं, पांचवा नंबर हम आ गए तो उससे कहा है कि हमारा गर्व है, हिंदू है, हिंदू हमारा भारत है, जनसंख्या भी गर्व कर ले, अभी पहले नंबर पे आ गए। पहली बात आपका क्वेश्चन गलत है, राहुल गांधी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, राहुल गांधी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, कोई और लड़ेगा ना कांग्रेस से, और पार्टी लड़ सकती है, और भी आ सकते, लेकिन राहुल गांधी से चुनाव लड़ ही नहीं सकते। और सुनिए हम बता रहे हैं राहुल गांधी केवल बाही बना के वो पंचर निकाला, अभी आया था इंटरनेट पे पंचर बना रहे, क्या नौटंकी है, अपनी सीट नहीं जीता पा रहे हो तो हम दुनिया के नौटंकी बना रहे हो, पंचर हम बना रहे हैं, ये चीज नौटंकी नहीं चल, हिंदुस्तान जाग चुका है, समझ गए, हिंदुस्तान जाग चुका है, आज जो रोटी खा रही है सब वही चक्कर, मोदी आपकी बार पीएम कौन, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी भैया आपकी बार पीएम कौन, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी, भैया नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, चलो आपकी बार पीएम कौन, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हाँ सर आपकी बार पीएम कौन, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी हमारे प्रिय हैं, वही वही है नरेंद्र मोदी, बदलेंगे नहीं, कोई नहीं, जब से मेरा वोट पड़ा है मैं नरेंद्र मोदी को ही वोट दिया हूँ, अच्छा हाँ उनके सिवा कोई नहीं, और अगर नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी अगर इस्तीफा देते हैं राजनीति से तो कौन, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा,